हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमाज क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लोची एम्ब्रॉयडरी में यूज होने वाले कुछ स्टिचेस सीखेंगे जिससे हम बॉर्डर लाइंस और फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टिच बनाना है उसको हमने टू लाइंस के बीच में वर्क करना है। मैंने आपको सीखना इजी हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखें स्क्वेयर्स बना लिए हैं। स्क्वेयर्स बनाने के बाद हमने इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखें इसको हम किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर से शुरू करते हुए ये देखें यूं ये जो हमने लाइन लगाई है इसके ऊपर स्टिच लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा भी बना रही हूं ताकि आपको थोड़ा सीखना स्टिच को आसान हो। यूं बनाने के बाद हम यहां पे ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हम यूं स्टिच की मदद से उठाते हैं ऐसे छोटा सा स्टिच लेते हुए इसको उठा लेते हैं। अब हम दोबारा से सेम इसी पॉइंट से नीडल को निकालते हुए ये जो कॉर्नर है इसके अंदर की तरफ यहां पे अपनी नीडल को निकालेंगे और उसके बाद हम सेम इस पॉइंट से निकालते हुए ये जो पहला स्टिच लिया है इसके ऊपर यहां पे दोबारा से नीडल निकालेंगे। अब इस लाइन पे हम यूं नीडल निकालते हैं। अब फिर से हम ये जो स्टिच लिया हुआ है इस स्टिच के यहां से और यहां पे हम यूं इस स्टिच को उठा लेंगे जैसे हमने पहले उठाया था। कपड़े को भी ले रहे हैं और इसको ऐसे यहां पे टक कर देते हैं। टक करने के बाद इस पॉइंट से हम दोबारा से इस कॉर्नर तक नीडल निकालेंगे ऐसे और फिर इस तरफ से यूं इसी पॉइंट से नीडल को निकालते हुए ये जो पहला स्टिच लिया है इसके ऊपर दोबारा से नीडल निकालते हैं। अब उसके बाद फिर से हम ये जो हमने लाइन बना रखी है यहां पे ऐसे स्टिच लेते और फिर यहां पे इसकी टकिंग ये देखिए स्टिच को बीच में रखते हुए इसकी टकिंग करते हैं ऐसे और फिर यहां से यहां तक और इधर से यहां तक। बस इसी तरीके से आपने इस स्टिच को वर्क करते जाना है। आप ये वाले गैप जो हैं वो कम कर सकते हैं। जब आप एक बार सीख लेंगे तो इसको पास पास बनाइए तो और भी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल हमारा स्टिच बना है। अब हम एक और स्टिच सीखते हैं। इसको हमने बीच में हल्की सी डिमार्केशन दे दी है ताकि आपको थोड़ा सा समझ लगे कि ये हमने किस तरीके से वर्क करना है। तो इसके लिए हम यू सेंटर से अपनी नीडल को निकालते हैं और ये जो हमारी सेंटर लाइन जो हमने हल्की सी बना रखी है इसको टच करते हुए यहाँ पे अपनी नीडल निकालेंगे ऐसे थ्रेड को आगे रखते हुए और सेकेंड स्टिच हम इस स्टिच के थोड़ा इस तरफ से लेते हुए बिल्कुल इसके पास से और इस पहले वाले स्टिच से थोड़ा सा ऊपर ऐसे अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेंगे। थ्रेड को हम आगे ही रखेंगे और यहां से थोड़ा आगे आके हम इस स्टिच को सेंटर लाइन से थोड़ा पहले ही ऐसे लेते हैं और सेकंड स्टिच थ्रेड को आगे रखते हुए इसी स्टिच के नीचे की तरफ से स्टिच लेते हुए और यूं ऊपर की तरफ ऐसे स्टिच लेते हैं। फिर से देखें इस तरफ से हम सेंटर लाइन से थोड़ा पहले ही ऐसे स्टिच लेते हैं और फिर उसके बाद इसके नीचे की तरफ से स्टिच लेते हुए इसके ऊपर पहले वाले स्टिच के नीडल निकालते हैं थ्रेड को आगे रखते हुए चेन करते हैं ऐसे। आपने ये दो गैप्स और ये दो गैप्स मेंटेन करके रखने इन दोनों के सेंटर में ये और इन दो ये जो है इन दो के सेंटर में आएगा। तो इस तरीके से हमने स्टिच लेना है कि ये ऐसे आए
और फिर नीचे की तरफ से स्टिच लेते हुए ऐसे थ्रेड को ऐसे आगे ही रखें। इसके बीच में एक और कलर फिल करेंगे, उससे इसकी लुक और भी खूबसूरत होगी। अब हम फिर से ये सेंटर से नीडल निकालते हैं, ये देखें जैसे हमने पहले ली थी। अब इस तरफ से शुरू करेंगे, थ्रेड को आगे रखते हुए यूं यहां पे हम स्टिच लेते हैं थ्रेड को आगे रखते हुए, और फिर उसके बाद इसके नीचे से और इसके ऊपर ऐसे। अब इन दोनों स्टिचेस के सेंटर में फिर से वैसे ही बनाएंगे, यूं सेंटर की तरफ स्टिच लेते हुए ऐसे, और फिर दोबारा से इसके नीचे से स्टिच लेते हुए ऐसे। अब इस तरफ जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरीके से हम वर्क कर रहे हैं ऐसे, और यूं नीचे से आगे की तरफ। अब हम एक और बॉर्डर लाइन सीखेंगे जो पूरी इसको फिल करती हुई दो लाइंस को बनेगी। तो उसके लिए हम ये नीचे वाली लाइन पे अपना थ्रेड निकालते हैं। ये जो हमारी सेंटर है यहां से ऐसे एक स्टिच लेंगे और इसको क्रॉस करते हुए, जैसे क्रॉस स्टिच करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसको ऊपर वाली लाइन पे टकिंग कर देंगे इसके बिल्कुल सामने। ये क्रॉस स्टिच ही है, बस इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये नीचे अब दोबारा से हम इस लाइन के बिल्कुल पास अपनी नीडल को निकालते हैं, और फिर से ये जो पहला स्टिच लिया था इसके बिल्कुल साथ यहां नीचे, और इधर भी इसके बिल्कुल साथ इसके नीचे ऐसे। और दोबारा से हम इसको इधर क्रॉस करते हुए इस लाइन के ऊपर टकिंग करेंगे ऐसे। अब इस नीडल को हम यहां छोड़ लेंगे और सेकंड कलर के साथ दोबारा से हम वर्क करते हैं। फिर से हम ये जो नीचे वाली लाइन है यहां से नीडल को निकालेंगे पहले वाले स्टिच के बिल्कुल पास, और अब फिर से हम ये जो दो स्टिचेस लिए हैं इनके नीचे ये जो नॉच बनी है हमारी वी, इसके बीच में से और इधर इसके बीच में से ऐसे नीडल को निकालते हैं। ये दो दो स्टिचेस लेके हम यूं इसको ऐसे बनाते जाएंगे, यहां इसकी टकिंग करेंगे और फिर से हम पहले वाले स्टिच के साथ यहां पे नीडल निकाल लेंगे। अब इधर हम कहां पे करेंगे, ये जो पहले दो ग्रीन स्टिचेस हैं इन स्टिचेस के बीच में सेंटर में से नीडल को ऐसे निकाल लेंगे, इधर से भी इन दोनों ग्रीन स्टिचेस के सेंटर में से नीडल को निकाल लेंगे ऐसे। और फिर इधर ऊपर वाली लाइन पे टकें। अब इस नीडल को हम यहां छोड़ देंगे, फिर से पहली वाली नीडल लेंगे और नीचे पहली वाली लाइन के साथ और नीचे वाली लाइन पे अपनी नीडल को निकालें। और अब ये पहले दो ग्रीन थे ना, अब ये ग्रीन और एक रेड, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में से अपनी नीडल निकालेंगे ऐसे, और फिर ऊपर वाली लाइन पे टकें, फिर नीचे से निकालेंगे। ये हम जो दो दो स्टिचेस ले रहे हैं हम चार चार भी कर सकते हैं, छह छह भी कर सकते हैं। अब दोनों रेड स्टिचेस के बीच में से और इधर भी दोनों रेड स्टिचेस के बीच में से
तो सेंटर में देखे कितनी बढ़िया ब्रेड बन रही है, मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूं। इसको फिर से हम यहां पे टकिंग कर देंगे, फिर इस नीडल को छोड़ देंगे यहां और सेकेंड नीडल लेंगे। और ये जो पहले स्टिच लिया है नीचे वाले लाइन पे, यहां पे अपनी नीडल को निकालते हैं। मैं बहुत क्लोजअप करके दिखा रही हूं ताकि आपको समझना थोड़ा आसान और आसान हो जाए। ये देखिए, अब यहां पे हमने स्टिच पहले दो रेड के बीच में लिया था ना, अब ये हम यहां लेंगे एक रेड और एक ग्रीन, इन दोनों स्टिचेस के साथ ऐसे। और इस तरफ टकिंग, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, दोनों लाइन के ऊपर हम टकिंग करते हैं, फिर नीचे वाली लाइन से नीडल निकालते हैं। अब इधर दोनों ग्रीन जो हमारे स्टिचेस हैं, ये देखें, ये ग्रीन स्टिच जो है हमारा, यहां से नीडल डालेंगे और इन दो ग्रीन स्टिचेस में से नीडल को निकालेंगे ऐसे। और इधर ऊपर वाली लाइन पे और इस तरीके से भी हम बलोची एम्ब्रॉयडरी में वर्क करते हैं फिलिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल हमारा बॉर्डर बना है। कहीं भी दो लाइंस के बीच में वर्क करना होता है तो ये बलोची एम्ब्रॉयडरी में बहुत स्टिच यूज होता है। अब हम एक और स्टिच सीखेंगे, हम उसे फ्लाई स्टिच बोलते हैं लेकिन बलोची एम्ब्रॉयडरी में इसको बहुत यूज किया जाता है। ये देखिए, हम इसको थ्रेड को आगे रखते हुए यहां वी बनाते हैं और इसकी यहां सेंटर में टकिंग करते हैं, इसके ऊपर फिर से फ्लाई बनाते हैं। ये बिल्कुल क्लोजली वर्क होती है और ये दोनों लाइंस के बीच में इसको वर्क किया जाता है ऐसे, सेंटर में टकिंग। फ्लाई स्टिच आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मैंने सिखा रखा है, ये सेम इसी तरीके से आपने बनाते जाना है। इसमें बस आपने क्या करना है कि आपने जैसे चार या छह स्टिचेस लेने के बाद फिर कलर चेंज कर लेना है, क्योंकि ब्लोची एम्ब्रॉयडरी जो है वो बड़ी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें ज्यादातर वाइब्रेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये बना रही हूं, हमने फ्लाई स्टिच को बनाना है लेकिन डिफरेंट कलर्स के साथ, यूं इसको बनाते हुए सेंटर में टकिंग करते जाना है। इसीलिए हमने सेंटर में एक लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। आप अपनी मर्जी से फोर या फाइव स्टिचेस के बाद कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे आप फ्लाई स्टिच बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको वर्क किया जाता है। और ये बॉर्डर्स भी ब्लोची एम्ब्रॉयडरी में बहुत यूज होते हैं। जैसे यहां तक हमने ये सिक्स स्टिचेस लगा लिए, अब मैं ये कलर छोड़ दूंगी और नेक्स्ट कलर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर हमारा बॉर्डर बनता है। बहुत से स्टिचेस ब्लोची एम्ब्रॉयडरी में यूज होते हैं। मैंने आज आपको कुछ एक स्टिचेस बनाने सिखाए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।